दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था गुली बुली को सोहन का बिहेवियर बहुत बदला सा लग रहा था। वो बहुत हैरान थे। अभी वो लोग बाबा से उसका इलाज कराने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी रात बुली सोहन को मिस्टर मीट के साथ देख लेता है। वो गुली को सब बताने वाला ही था कि मिस्टर मीट गुली पर हमला कर उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। और अब आगे बुली एक कमरे में कैद है। उसे अब होश आने लगा है। वो उठते ही चौंक जाता है। उसके सामने पॉटी बॉय सोहन खड़ा था। वो गुस्से में सोहन से पूछता है, सोहन तुम हमारे दोस्त होके मिस्टर मीट के साथ मिलके हमें ही धोखा दे रहे हो। बताओ मुझे, तुम कल रात मिस्टर मीट के साथ मिलके क्या प्लानिंग कर रहे थे और ये तुमने मुझे कहाँ कैद किया हुआ है? सोहन को कुछ समझ नहीं आता बुली ये क्या बात कर रहा होता है। वो बोलता है, मैं क्यों मिस्टर मीट से मिलने लगा? उसकी वजह से मैं पिछले 3 दिनों से इस कमरे में बंद हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो उसे जान से मार डालूं। बुली बोलता है, सोहन मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद बेहोश होने से पहले तुम दोनों को आपस में बात करते हुए देखा है, तो मैं अब तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। सोहन बोलता है, बुली मुझे नहीं पता तुमने मुझे कब कहाँ और कैसे मिस्टर मीट से बात करते हुए देख लिया, पर यह सच है मैं पिछले 3 दिनों से इस कमरे में कैद हूँ। बुली को अब कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी आँखों पर विश्वास करे या सोहन की बातों पर। वो अभी सोच ही रहा होता है कि कमरे का दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आ रहा है। अरे ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट अंदर आते ही बुली से बोलता है, ओहो तो मिल लिए अपने दोस्त से। अब तक तो तुम दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया होगा और कंफ्यूज हो गए आखिर ये क्या हो रहा है, और हंसने लगता है। चलो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ बुली। ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, ये है तुम्हारा असली दोस्त, और जो तुम्हारे घर पे है वो हमारा क्लोन जो हमारे लिए काम करता है, उसी की वजह से तुम आज यहाँ पर हो। बुली को अब जाके समझ में आता है इसी वजह से वो वाला सोहन इतनी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। बुली पूछता है, मिस्टर मीट तुमने हमें किडनैप क्यों करके रखा है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें हमसे? मिस्टर मीट बोलता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम तीनों को पकड़ कर किसी को देना है। पता है किसको? डॉक्टर जैकब को। याद तो होंगे ही डॉक्टर जैकब तुम्हें, और हंसने लगता है। डॉक्टर जैकब का नाम सुन बुली और सोहन का मुंह डर से लाल हो जाता है। आखिर कौन है डॉक्टर जैकब जिनका नाम सुन के दोनों इतना डर गए हैं? आगे वो बोलता है, डॉक्टर जैकब ने मुझे तुम्हें पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके बदले मुझे मिलेगा ढेर सारा पैसा, जिससे मैं शहर में खुद की मीट फैक्ट्री खोलूंगा जहां बस इंसानों का मीट बिकेगा। और फिर डरावनी हंसी हंसने लग जाता है। बुली और सोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बहुत हिम्मत कर बुली पूछता है, पर वो पुराना किस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था। डॉक्टर जैकब आप हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? आखिर क्या चाहिए उसे? मिस्टर मीट बोलता है, उस दिन डॉक्टर जैकब ने गायब होने से पहले अपने ग्रेट एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट तुम तीनों के शरीर में सेव कर दिए थे। उन्हें पता था सबसे सेफ जगह यही है जहाँ उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा सुरक्षित रहेगा, और जब उन्हें वापस चाहिए होगा तो वो ले लेंगे। अब उन्हें वो वापस चाहिए। तुम दोनों तो अब मेरे कब्जे में हो। अब बस आज रात मुझे तुम्हारे तीसरे साथी गुली को लाना है और मेरा काम खत्म। कल डॉक्टर जैकब के हाथों तुम्हारा सौदा हो जाएगा और तुम्हें भी इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। इधर बुली के एकदम से गायब हो जाने से काफी परेशान था। वो बुली को फोन लगा लगा के थक गया, पर बुली फोन नहीं उठा रहा था। बाबा भी मंदिर से घर पहुंच चुके हैं। वो गुली को परेशान देख उससे कारण पूछते हैं। गुली बाबा को बताता है, बाबा बुली को कुछ पता नहीं लग रहा, कल रात मेरे साथ ही सोया था, पर सुबह जब मैं उठा तो वो यहाँ से गायब था। मैंने उसे आसपास सब जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहा और ना ही उसका फोन लग रहा है। बाबा सोहन बता रहा था कि बुली शहर लौट गया है, पर वो हमें बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। बाबा कहते हैं, गुली चिंता मत करो, बुली यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अभी सोहन कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहा है? बाबा अभी यहीं था, शायद अंदर वाले कमरे में होगा। बाबा पता नहीं क्यों, पर जब से सोहन घर वापस आया है वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहीं बुली के गायब होने के पीछे उसका हाथ तो नहीं है? बाबा को पहले से यकीन था सोहन की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने ही वाली है। कोई है
जो सोन का इस्तेमाल कर उससे ये सब करवा रहा है, पर कौन ये उन्हें पता करना था। लेकिन गुली परेशान ना हो इसलिए बाबा उसे इस बारे में नहीं बताना चाहते। वो बोलते हैं, गुली तुम परेशान मत हो, मैं बुली को ढूंढने जाता हूँ, हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास ही किसी मुसीबत में फंसा हो। तुम यहाँ सोन के साथ रुक, उसका ध्यान रखो और बुली का फोन मिलाते रहो, अगर कुछ पता लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। ये कहकर वो चले जाते हैं। रात हो चुकी थी पर अब तक ना ही बाबा वापस आए थे और ना ही बुली। गुली बहुत परेशान था, वो बस इधर उधर घूमे जा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक सोन गुली के सर में मार उसे बेहोश कर देता है। इस सोन के क्लोन ने तो अपना काम कर दिया था। थोड़ी देर में मिस्टर मीट भी वहां पहुंच जाता है और वो गुली को उठा नकली सोन के साथ अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों आगे क्या होगा स्टोरी में? क्या डॉक्टर जैकब अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा या बाबा गुली बुली और पॉटी वाई सोन को मिस्टर मीट के चंगुल से बचा लेंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेट करें नेक्स्ट पार्ट का।